तो वहीं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में 13 जिलों के कांग्रेस नेता जुटने वाले हैं। पीस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में 13 जिलों के कांग्रेस जनों का सम्मेलन ये है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे संबोधित करेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन मौजूद रहेंगे। अब से कुछ देर पहले जयपुर में पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में भरतपुर, अलवर, कोटा, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, इसके अलावा दौसा, करौली, बूंदी, धौलपुर जिलों के कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा केंद्र सरकार से दिलवाने हेतु जन आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और लगातार कांग्रेस इसको लेकर के आक्रामक भी रही है। एक रणनीति जन आंदोलन के लिए बनाई जाएगी। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाने वाली है। देखिए महत्वपूर्ण दिन आज ईआरसीपी को लेकर जहां कांग्रेस आज से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाली है। हैशटैग क्या होगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज ईआरसीपी पर जन आंदोलन की जो रणनीति बनेगी, जो स्ट्रैटेजी बनेगी, वो भी सभी की निगाहों में, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा, और प्रदेश में लगातार कांग्रेस जब से आई है आक्रामक इस मुद्दे को लेकर है। चाह रही है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए, दर्जा मिले, और इसको लेकर के आज ये रणनीति बनाने के लिए सम्मेलन, जन आंदोलन पर रणनीति तो साथ में बनेगी ही। इसके अलावा 13 जिलों के कांग्रेस नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। इस सम्मेलन कांग्रेस का राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगा। चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त ऑनलाइन पर जुट गए। नरेश जी, इंपॉर्टेंट है ईआरसीपी का मुद्दा और हमेशा कांग्रेस को लेकर के मुखर रही है। राजस्थान से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने के लिए आज से जन आंदोलन की रणनीति शुरू हो रही है। सम्मेलन के माध्यम से क्या पूरी विस्तृत अपडेट इस पर? जैसे देखिए, ईआरसीपी अब एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, न केवल पूरे राजस्थान का मुद्दा रह गया है जी, बल्कि पूरे राजस्थान में इस इशू को लेकर चर्चा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें रणनीति तय की गई थी कि ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस को एंड सत्ता और संगठन दोनों को मिलकर इस मुद्दे को उठाना है और केंद्र पर दबाव बनाना है। इसके लिए मीटिंग हुई थी और उसके बाद तय किया गया था कि बिरला सभागार में एक बड़ा आयोजन हो, सम्मेलन हो, जिसमें न केवल पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के कांग्रेस के नेता मौजूद रहे बल्कि प्रदेश के अन्य जो नेता वो मौजूद रहे। आज ये सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें एक बड़ी रणनीति बनेगी, साथ में बताया जाएगा कि ईआरसीपी राजस्थान के लिए क्यों जरूरी है, अब तक इसमें क्या जो है वो कदम उठाए गए हैं, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, केंद्र इसके बारे में क्या कह रहा है और वस्तु स्थिति क्या है और इससे क्या फायदा होना है और अगर ये नहीं बनता तो क्या नुकसान होना है जी। और इन चीजों को खास कर पूरे राजस्थान के जो 13 जिले हैं जहाँ ये प्रोजेक्ट बनना है, वहाँ के लोगों को किस तरह से इस अभियान से, इस आंदोलन से जोड़ा जाए, इसकी पूरी रणनीति आज बनाई जाएगी जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे, मंत्री विधायक मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे जी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इसके लिए आए हैं जयपुर, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये कह सकते हैं कि बड़े आंदोलन की रूपरेखा आज जयपुर में तैयार की जाए। नरेश, इसके अलावा सोशल मीडिया का सहारा लेने की पूरी कवायद और कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। ईआरसीपी को लेकर सोशल मीडिया का यूज यहाँ पर होगा, एक ट्रेंड आज से चलाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए हर उस माध्यम से जहां लगता है कांग्रेस को कि केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है, जल शक्ति मंत्रालय पे दबाव बनाया जा सकता है, और उस हर एक माध्यम का सहारा लेगी, चाहे वो सड़क से जो सदन तक की बात कर ले हम आंदोलन की, सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर ले, रैलियों के माध्यम से बात करें, तो अलग अलग तरीके हैं जो कांग्रेस इस दौरान इस्तेमाल करेगी, क्योंकि मकसद यही है कि ये जो एक बड़ा एक इशू बना है राजस्थान में, पहले आपको ध्यान होगा कि इससे पहले एक रिफाइनरी इशू बना था, वो भी एक बड़ा इशू था पश्चिमी राजस्थान का, लेकिन पूरे राजस्थान की बात करें तो पानी बड़ा एक इशू बन चुका है। और इस इशू को जनता तक कैसे ले जाया जाए, और एक तरफ कांग्रेस है वो कोशिश कर रही है कि इस पर केंद्र पे दबाव बने, वहीं जो है चूंकि जिस तरह से कांग्रेस दबाव बना रही है तो भाजपा भी उसी तरह से रणनीति तैयार करेगी, पूरे राजस्थान के लोगों को किस तरह से समझाए कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है।